हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं आप कैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बने कई ड्राइव्स को डिलीट कर उसके स्पेस को किसी अन्य ड्राइव में मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट बटन पर जाना है डेस्कटॉप के और टाइप करना है क्रिएट एंड फॉर्मेट पार्टीशन। चलिए मैंने इतना टाइप किया, ऊपर में आ गया है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, ये आ गया, इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे आपके कंप्यूटर में लगे सारे हार्ड डिस्क के ड्राइव को। ये डिस्क ज़ीरो है जो कि है कंप्यूटर का अपना हार्ड डिस्क, और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिस्क वन है। इसमें तीन ड्राइव्स आप देख पा रहे होंगे। मैं चाहता हूँ ये 55.47 GB का जो है स्पेस वो इस पहले वाले में मिल जाए। तो ये मैं कैसे करूँ वो आपको देखना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और डिलीट वॉल्यूम पे जाके इसे डिलीट कर दूँगा।